हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट जनरल साइंस पर आधारित है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? कोलाइडी विलयन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा वायु। बादल हीमोग्लोबिन कुहासा नहीं होगा, आंसर होगा वायु। 2 नंबर है, पुष्पों की पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? पुष्पों की पंखुड़ियों में उपस्थित रंग जो होता है उसके अवयव को अलग करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, यह है प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इसी विधि से, यही सबसे अच्छी विधि है जिससे इसके कलर को अलग अलग किया जा सकता है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, कांच का टूटना, लोहे के छड़ को लाल तप्त करना, जल का बर्फ बनना, लोहे में जंग लगना। तो आंसर यही होगा, लोहे में जंग लगना। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें नहीं ढूंढना है। रासायनिक परिवर्तन वाला उदाहरण कौन सा नहीं है? देखें, मोमबत्ती का जलना, प्रकाश संश्लेषण, कांच के का टूटना, जल का वैद्युत अपघटन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? फिजिकल चेंज, लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, भोजन का पचना और जल का जमना, यही है फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण यही है, जल का जमना। 6 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ हैं? शुद्ध पदार्थ, ये देखें, नदी का जल, स्याही, ग्लूकोज, मिट्टी, इसमें आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। 7 नंबर है, नौसादर और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है? तो नौसादर और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जा सकता है, सब्लिमेशन से। पायस है, 8 नंबर प्रश्न है पायस के बारे में। तो 2 मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण, 2 ठोस पदार्थों का मिश्रण, 2 गैसों का मिश्रण, 2 अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण। तो आंसर यही हो जाएगा, पायस इसी को बोलते हैं, 2 अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण को पायस बोलते हैं, आंसर डी हो जाएगा। किस पदार्थ को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन जाता है? जल के साथ मिलाने से वास्तविक विलयन बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण नमक, डी नंबर आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें परिक्षेपित प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है? ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। परिक्षेपित प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है, किसमें ऐसा होता है? तो आंसर हो जाएगा धुआं। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है? निलंबन यानी सस्पेंशन जो होता है। साधारण नमक का विलयन, स्टार्च का जल में विलयन, एलम का जल में विलयन, कीचड़ युक्त जल, आंसर इसका यही हो जाएगा, कीचड़ युक्त जल ही सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, निलंबन का एग्जाम्पल है। 12 नंबर है, बादल निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? बादल के बारे में पूछा गया है, तो देखें ये आंसर हो जाएगा इसका, गैस में परिक्षेपित द्रव का।
गैस में प्रक्षेपित द्रव का उदाहरण है बादल। 13 नंबर है मिथिल अल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की विधि है। ये मिथाइल अल्कोहल है और एसीटोन है, इसको मिला देने के बाद फिर इसको पृथक कैसे करेंगे, तो ये है प्रभाजी श्रवण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक के जलीय विलयन में से प्राप्त नमक प्राप्त करने की विधि है। साधारण नमक को पानी में घोल देते हैं, फिर उससे नमक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस विधि से, तो बहुत आसान सा कुछ आंसर है, वाष्पन विधि से, इवेपोरेशन से होगा ऐसा। निम्नलिखित में कौन यौगिक हैं, यौगिक वायु, बादल, बारूद और जल में चुनना है, तो आंसर इसका जल हो जाएगा। 16 नंबर है, स्याही के अवयवों को पृथक करने की विधि है। स्याही के अवयवों को पृथक करने की विधि क्या है, तो ये क्रोमेटोग्राफी है, इसी विधि से इसके अवयव को अलग कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, कौन धातु नहीं है, पारा, आयोडीन, कैडमियम, सीजियम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, कौन यौगिक नहीं है, तो ये देखिए चूना, धोने वाला सोडा, भाखरा चूना, पीतल, तो आंसर हो जाएगा पीतल। निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव है, बारूद के अवयव, बारूद कैसे बनता है, तो ये सोरा, गंधक और कोयला का मिश्रण है, आंसर इसका बी हो जाएगा, सोरा, गंधक और कोयला। कौन शुद्ध पदार्थ है, 20 नंबर प्रश्न है, कौन शुद्ध पदार्थ है, समुद्र का जल, सोल्डर, श्रावित जल, स्टेनलेस स्टील, तो डिस्टिल वाटर तो वेल नोन है कि सब शुद्ध पदार्थ है, श्रावित जल। 21 नंबर, मक्खन में, मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, मक्खन, अच्छा प्रश्न है, मक्खन पर क्वेश्चन आता रहता है, इसका आंसर हो जाएगा द्रव का ठोस में प्रक्षेपण, द्रव का ठोस में प्रक्षेपण ही मक्खन का एग्जाम्पल है। 22 नंबर है, कौन समांग है, होमोजेनेटी के बारे में पूछ रहा है, होमोजीनियस कौन सा होगा, वायु, जल, दूध और रक्त में, आंसर जल हो जाएगा। 23 नंबर है, वायु के प्रमुख अवयव है, वायु के प्रमुख अवयव क्या होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही मुख्य अवयव है, O2, N2 और CO2। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विषमांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण, नॉन होमोजीनियस, तो देखिए जल, पीतल, आयोडीन युक्त नमक, ब्रॉन्ज, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक विषमांग मिश्रण है। 25 नंबर है, कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन में, ब्रोमीन होगा आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, लौह चूर्ण यानी लोहा का जो बुरादा होता है और सल्फर को पृथक करने के लिए किस द्रव का उपयोग किया जाता है, अच्छा प्रश्न है ये, तो इसमें देखिए जल, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और पेट्रोल है, तो आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 27 नंबर प्रश्न है, सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर
मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वह बन जाए। ये वेल नोन है, इसको कठोर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, कठोर। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? विलयन के बारे में पूछा जा रहा है। बारूद, मिट्टी, रक्त, सॉफ्ट ड्रिंक में। आंसर हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक। 29 नंबर प्रश्न है, कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ नहीं है कौन से? बर्फ, कैल्शियम ऑक्साइड, दूध, पारा में। दूध होगा आंसर। 30 नंबर है, कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है का उदाहरण कौन सा? पौधों में वृद्धि, जल का जमना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, जल का जमना, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। तो इस तरह से 30 प्रश्नों का ये सेट संपन्न होता है और सारे प्रश्न अहम हैं, इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको एक झलक देख लें। थैंक यू वेरी मच।